जय हिंद, मैं राकेश साहू पीसी अकेडमी से। आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 16। मान लीजिए प्रश्न है 2400 रुपए का एक निश्चित साधारण ब्याज, निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर, 2400 रुपए का एक निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपए है। यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में नया मिश्रधन क्या होगा, नया मिश्रधन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रश्न दिया गया है 2400 रुपए का एक निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपए है। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में अर्थात 4 वर्ष में नया मिश्रधन क्या होगा। इसे हम दो तरीकों से बना सकते हैं, जिसमें से पहला मेथड ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड देखिए, 2400 रुपए दिया गया है मूलधन, जबकि यहां पर पहले मेथड में ध्यान दीजिएगा, पहला केस देखिए कि जबकि यहां पर मूलधन दिया गया है 2400 रुपए, एक निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्ष का मिश्रधन अर्थात समय दिया गया है 4 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन है 3264 रुपए। यदि दर को बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में नया मिश्रधन क्या होगा। यह है मिश्रधन, इसे मान लेते A1। तो इसी के हिसाब से पहला सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन है 3264 माइनस मूलधन है 2400 रुपए, इसे हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। यहां पर 12 में 4 गया 8, 864 रुपए। अर्थात यहां पर साधारण ब्याज आ रहा है 864 रुपए, जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P×R×T/100। सिंपल इंटरेस्ट है 864 रुपए बराबर प्रिंसिपल अमाउंट है 2400 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, लेकिन समय है 4 वर्ष बटा 100, 2020 काटिए 4 से, 4 × 8 4×1 4 बचेगा 2, 4×6 24, 4 से काटेंगे 4×6 24, 4×5 20, 4×4 16,
6 * 54, तो देयरफोर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 9% वार्षिक ब्याज की दर। अब देखिए क्या बोल रहा है नया केस। इसी में दूसरी बात क्या कही जा रही है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, तो यहां पर ब्याज की दर है R 9%। इसका मतलब यह है कि नया ब्याज की दर आएगा तो इसे हम मान लेते हैं R1 और यह आपका हो गया R1। तो नए ब्याज की दर therefore R2 बराबर होगा, इसमें 1% ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो 9% में 1% ब्याज की दर बढ़ाएंगे तो नया ब्याज की दर हो जाएगी 10% वार्षिक ब्याज की दर। तो उतने ही समय में अर्थात 4 वर्ष में नया मिश्रधन क्या होगा। देखिए नया मिश्रधन के लिए आप सबसे पहले निकाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट, नया सिंपल इंटरेस्ट SI2 मैंने मान लिया, फॉर्मूला होगा P × R × T बटा 100। यहां पर समय उतना ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2 बराबर, मूलधन है आपका 2400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10 इंटू समय है उतना ही अर्थात 4 वर्ष बटा 100। 2020 कैंसिल कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 16 = 6, हासिल है 1, 4 × 2 = 8 और 1 = 9, तो ये आएगा आपका 960 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, ये आ रहा है 960 रुपए। तो देयरफोर मिश्र धन हमें निकालना है, मिश्र धन देयरफोर नया मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो मूलधन है 2400 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आ गया 960, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 60 का 60, 9 और 4 = 13 हासिल है 1, 3360 रुपए। ये इस तरीके से भी हम मेंस तथा प्री दोनों में बना सकते हैं। इसी प्रश्न को बनाने की दूसरी विधि हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि काफी आसान है और उसे भी आप प्री तथा मेंस दोनों में यूज कर सकते हैं। इसी प्रश्न को बनाने की दूसरी विधि हम देखने जा रहे हैं और ये दोनों विधियों को हम प्री तथा मेंस दोनों में यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रश्न को बनाने की दूसरी विधि, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा गया है प्रिंसिपल अमाउंट है 2400 रुपए, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्ष का समय दिया गया है 4 वर्ष का, मिश्र धन दिया गया है, मिश्र धन ए बराबर दिया गया है 3264 रुपए, धन जेगा। यहां कहा जा रहा है यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ 1% के लिए ही निकालते हैं साधारण ब्याज। तो ध्यान दीजिएगा, देयरफोर 1% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज बराबर 1% वार्षिक ब्याज की दर पर ही जो हमें बढ़ाना है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है या घटाना है उसी के लिए आप निकाल लीजिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो बराबर यह आ जाएगा P × R × T बटा 100 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट है 2400 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है इंटू समय है 4 वर्ष बटा 100, 2020, 4 × 16 = 6 हासिल है 1, 4 × 2 = 8 और 1 = 9 अर्थात 96 रुपए। इसका मतलब 1% वार्षिक ब्याज की दर के लिए साधारण ब्याज है 96 रुपीज। तो यहां पर जो भी साधारण ब्याज की वार्षिक दर है उसके लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज है 96 रुपए। अब कहा जा रहा है कि जो भी वार्षिक ब्याज की दर थी उसमें 1% बढ़ा दी जाए, अर्थात सिंपली बात है कि इतना साधारण ब्याज बढ़ जाएगा। तो देयरफोर नया मिश्रधन, पुराना वाला मिश्रधन है आपका 3264 रुपए में यदि हम जोड़ देते हैं 96 रुपए को तो आ जाएगा
छ चार दस का जीरो हासिल है एक, दस यह है दस छ, सोलह का छ हासिल है एक, यह हो जाएगा तीन, तो यह आ जाएगा आपका 3360 रुपए। तो यहां पर इसका आंसर आएगा 3360 रुपए। इसी के अंतर्गत हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है 800 रुपए का एक निश्चित साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष का मिश्र धन 956 रुपए है, 956 रुपए है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में नया मिश्र धन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने की दो विधि में से हम पहली विधि देख रहे हैं जिसे पहला केस, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपए हमें दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट है 800 रुपए। यहां पर समय दिया गया है 3 वर्ष, समय दिया गया है 3 वर्ष, तथा मिश्र धन A1 बराबर दिया गया है 956 रुपए, 956 रुपए। तो यहां से हम therefore निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन 956 माइनस 800, 956 माइनस 800, तो यह आ जाएगा आपका 156 रुपए। तो जबकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा पी इंटू आर इंटू टी बटा 100, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाके चेंज होगा, इसलिए हम इसे मान लेते हैं पहले वाले को R1, ध्यान दीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 156 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट है 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, समय है आपका 3 वर्ष बटा 100, दो जीरो काट दीजिए, तीन से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, यहां पर 8 से काटेंगे, यहां पर हम 4 से काट सकते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, और ये होगा 4 × 2 = 8। तो देयरफोर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है आपका 13/2, इसे हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 13/2%। इसी में हम आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आगे देखते हैं, यहां बोल रहा है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो जो भी यहां पर ब्याज की दर आ रही है इसे 4% बढ़ा दी जाए, पुराने ब्याज की दर में 4% बढ़ा दी जाए, पुराना है 13/2 + 4, यह हो जाएगा 4 × 8, तो यह हो जाएगा आपका 21, 13 और 8 = 21, तो ये हो जाएगा 21/2%, तो नया ब्याज की दर हो जाएगा 21/2%। तो उतने ही समय में नया मिश्र धन क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं नया साधारण ब्याज बराबर होगा पी इंटू आर इंटू टी, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2/100, प्रिंसिपल अमाउंट है 800 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 21/2, समय है 3 वर्ष, और यहां बटे में पहले से 100 है, दो जीरो काट दीजिए, 2 से 2 = 8, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, 21 × 12, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 1, 12 × 2 = 24 और 1 = 25, तो यह आ जाएगा आपका 252 रुपए। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 252 रुपए, तो हम निकाल लेंगे देयरफोर नया मिश्र धन बराबर होगा, यहां पर मूलधन है 800 रुपए प्लस साधारण ब्याज हो जाएगा 252, तो यह आ जाएगा आपका 52 का 52, 8 × 2 = 10, मतलब 1052 रुपए। तो यहां पर आंसर आएगा 1052 रुपए। इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं,
हालांकि यहां पर पहला और दूसरा मेथड दोनों ही मेंस तथा प्री में यूज कर सकते हैं। इसी को बनाने की दूसरी मेथड हम देखने जा रहे हैं। जो कि काफी आसान है तथा उसे हम मेंस में भी लिख सकते हैं क्योंकि वह भी एक सिस्टमैटिक तरीका है। यह सेकंड मेथड भी एक सिस्टमैटिक तरीका है अर्थात इसे भी हम मेंस में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जबकि हमें दिया गया है मूलधन बराबर 800 रुपए, समय दिया गया है 3 वर्ष, समय दिया गया है 3 वर्ष तथा मिश्र धन दिया गया है 956 रुपए। ध्यान दीजिएगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है या घटाना है उसके लिए हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। तो देयरफोर 4% वार्षिक ब्याज की दर के लिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। प्रिंसिपल अमाउंट है 800 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% इंटू समय है 3 वर्ष बटा 100। 2020 काट दीजिए, 4 × 12 = 96, तो यह आ जाएगा 96 रुपए, यह आएगा आपका 96 रुपए। तो देयरफोर नया मिश्रधन, यहां पर पुराना मिश्रधन है 956 रुपए में जोड़ देंगे हम 96 रुपए, तो यह आ जाएगा 6 × 12 = 2 हासिल है 1, ये हो जाएगा 10 × 5 = 15 हासिल है 1, तो यह आ जाएगा 1052 रुपए। तो यहां पर आंसर आएगा 1052 रुपए, नया मिश्रधन आएगा 1052 रुपए।